गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का जो जनरल थर्मोडायनेमिक्स इंट्रैक्शन थी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, उस दाब वृद्धि की गणना कीजिए जिसमें पानी -1 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता हो। मीन्स इफ द वाटर इज आइस इज कन्वर्टेड इन टू द वाटर एट द -1 डिग्री सेल्सियस देन वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन प्रेशर। वी हैव गिवन द डेंसिटी ऑफ द आइस एंड द लेटेंट हीट ऑफ द आईसी। अब सबसे पहले तो ये देखें, क्लासियस क्लोपिरोन संबंध आएगा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है तो इस रिलेटेड जो दाब आता है क्लासियस क्लोपिरोन से आता है। सो हमने देखा डी पी इक्वल टू एल डिवाइड बाई टी वी टू माइनस वी वन मल्टीप्लाई बाय द डी टी। एल जो दे रखा है वो ग्राम में लीटर्स में इस तरह से सी जी एस में है तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन इन टू द प्रॉपर यूनिट। सो एल इक्वल टू वी हैव गिवन 336 जूल पर ग्राम। सो इसको अर्ग में बदल देते हैं 336 × 10⁶ अर्ग क्योंकि एक जूल में 10⁶ अर्ग होते हैं। सो दिस इज द वैल्यू कन्वर्टेड इन टू दी सी जी एस एंड द टी इक्वल दे रखा 0 डिग्री सेल्सियस तो उसको हम 273 केल्विन कह सकते हैं और डी टी कहते हैं -1 का, इसका मतलब हुआ कि 0 - 1 सो दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इज -1 डिग्री सेल्सियस। वी टू जो है बिकॉज द फाइनल वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द क्योंकि यह 1 ग्राम के लिए मान के चलते हैं तो 1/d2 हो जाएगा इसमें। सो दिस इज 1 cm³ पर ग्राम एंड वी वन जो आपका इनिशियल था पानी उसके लिए जो डेंसिटी काम लेते हैं 1/d1 = 0.91 दैट इज इक्वल टू 100/90 cm³/ग्राम। सो वी कैन राइट डी पी इक्वल टू 336 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय द -1 चेंज इन टेम्परेचर इज -1 273 टी इक्वल टू एंड द वी टू माइनस वी वन इज 1 - 1 - 1.091। सो यूजिंग दैट वन वी हैव कैलकुलेट 13.5 × 10⁷ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यह यदि इसको कैलकुलेट कर देते हैं वायुमंडल दाब में तो 135 वायुमंडल दाब आ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट द सी वी माइनस सी एल इक्वल टू डी एल बाई डी टी माइनस एल बाई टी, जहाँ पे सी एल और सी वी जो है वह द्रव व संतृप्त वाष्प की विशिष्ट उष्माएँ हैं। एल जो है लेटेंट हीट है, टी इसका टेम्परेचर है। तो वी नो दैट डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी जो एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी वो डी क्यू बाई टी टी होता है। सो यहाँ पे डी क्यू को हम एल लिख सकते हैं लेटेंट हीट, तो चेंज इन एंट्रोपी एस वी माइनस एस एल इक्वल टू द एल बाई टी। सो जो फॉर्मूला लिखता है वो डी एस एल इसका डिफरेंशिएट कर दें डी एस वी बाय द डी टी माइनस डी एस एल बाय द डी टी इक्वल टू 1/t डी एल बाई डी टी। हमने डिफ्रेंशिएट किया एल को विथ रेस्पेक्ट टू द टी एंड माइनस एल बाई टी स्क्वायर डी टी बाई टी। सो सी एल यदि हम सब्सिट्यूट करना चाहें तो कैसे आएगा, देखिए सी एल को लिखते हैं दैट इज एंट्रोपी एट द ऑफ द लिक्विड सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड। सो डी क्यू एल बाई डी टी हो सकता है और डी क्यू एल को लिख सकते हैं टी डी एस एल के लिख लेते हैं तो डी टी। सो सी वी माइनस सी एल आ जाएगा आपके पास में डी एल बाई डी टी माइनस एल बाई टी। सो जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट करना था वो इस तरह से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इफ सी पी माइनस सी वी इक्वल टू द टी मल्टीप्लाइड बाय द डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हो तो आदर्श गैस के लिए सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर प्रूव करना है। वास्तविक गैस के लिए सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय द 1 + 2 a v r t होता है। आदर्श गैस के लिए हम सब जानते हैं पी वी इक्वल टू आर टी होता है। सो डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आता है आर बाई वी, यहाँ पे V कांस्टेंट हो गया और अगले टर्म्स में डेल V बाई डेल टी करें कांस्टेंट प्रेशर करें तो R बाई पी हो जाता है। सो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी, वी की जगह सब्स्टिट्यूट करके देखें तो टी मल्टीप्लाइड बाय द R बाई वी इन टू द R बाई पी। सो दिस इज गिव द R बिकॉज पी वी इक्वल टू आर टी हो जाता है। आदर्श गैस के लिए कि यदि कैलकुलेट कर लिया हमने, अब हम चाहते हैं जो रियल गैसेज है उसका फॉर्मूला होता है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये इसको ब्रेक कर लें पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी बाई द वी माइनस बी। अब वी को इस तरह के यदि हम आकलन करते हैं डेल पी बाई डेल टी चाहिए हमें तो क्या कैसे कैलकुलेट होगा, सेकेंड टर्म लेफ्ट हैंड साइड की जीरो हो जाएगी क्योंकि वी है कॉन्स्टेंट है वी ए कॉन्स्टेंट होता है। सो डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू आर डिवाइड बाई वी माइनस बी। और इसका अगला करें पी को इस तरह के टी के सापेक्ष आकलन कर दें क्योंकि p इस तरह तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी v का डिफरेंशियल हो जाएगा -2 a / v³ डेल v / डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू r / v - b - r t /
वी माइनस बी का होल स्क्वायर डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दोनों तरफ से डेल वी बाई डेल टी को कॉन्स्टेंट प्रेशर वाले को कॉमन ले लेते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो आता है डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल मल्टीप्लाइड बाई आर टी वी माइनस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बाई वी क्यूब इक्वल टू आर डिवाइड बाई वी माइनस बी। सो दिस गिव्स डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू वी माइनस बी डिवाइडेड बाई द टी मल्टीप्लाइड बाई द वन माइनस ट्वाइस ए वी माइनस बी का होल स्क्वायर आर टी वी क्यूब पावर हाफ। सी पी और सी वाले जो फॉर्मूला उसमें सब्सटीट्यूट कर दिया जाए डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी एंड डेल प्रेशर पे तो मिलता है हमें सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई द आर डिवाइड बाई वी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई द वी माइनस बी डिवाइड बाई द टी एंड होल मल्टीप्लाइड बाई द वन माइनस ट्वाइस ए वी माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी वी क्यूब पावर हाफ माइनस वन। इन ब्रैकेट के बाद केवल आर बचता है और इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देते हैं तो ये माइनस वन सामने आ जाता है। सो आर मल्टीप्लाइड बाई दी वन प्लस एन एक्स फॉर्म में आ जाता है। सो आर मल्टीप्लाइड बाई द वन प्लस ट्वाइस ए वी माइनस बी का स्क्वायर आर टी बाई द बी क्यूब। यदि ये मान के चले कि वी का मान बहुत अधिक है बी की तुलना में सो वी माइनस बी स्क्वायर को हम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो आर मल्टीप्लाइड बाई द वन प्लस ट्वाइस ए वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी वी क्यूब। सो दिस गिव्स आर मल्टीप्लाइड बाई द वन प्लस ट्वाइस ए बाई दी आर टी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्रूव दैट डेल क्यू बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द टी वी एल्फा, एल्फा आयतन प्रसार गुणांक है। तो इस पर दाब के प्रभाव की व्याख्या भी कीजिए। ऊष्मा गति क्या सेकेंड मैक्सवेल जो इक्वेशन होती है उसको लिखते हैं डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता है कि टी डेल एस डी क्यू हो जाता है। सो डेल क्यू बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एंड एल्फा तो हम लिख सकते हैं चेंज इन आयतन प्रसार गुणांक डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो डेल वी बाई वी डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सब्सटीट्यूट कर दें तो मिलता है डेल क्यू बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस टी वी डिवाइड बाई वन माइनस वी डेल वी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो ये मिल गया माइनस टी वी एल्फा। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो देखते हैं। यदि पदार्थ जिसका ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है इसका मतलब हुआ इसमें टी भी पॉजिटिव है वी भी पॉजिटिव है अल्फा भी पॉजिटिव है तो जो फॉर्मूला आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा डेल क्यू बाई डेल पी इस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू नेगेटिव। अर्थात दाब बढ़ा देंगे तो ऊर्जा में कमी हो जाएगी मीन्स शीतलन हो जाएगा। और इसका उल्टा कर दें यदि पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर आयतन घटता है वी नेगेटिव हो जाता है सॉरी अल्फा नेगेटिव हो जाता है तो डेल क्यू बाई डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात ताप बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है तो ऐसे पदार्थ का ताप बढ़ता है मीन्स तापन का फॉर्मूला काम में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।